कामयाबी उम्र से नहीं हौसलों से मिलती है। इरादे बुलंद हो तो तकदीर भी बदलती है। जो चल पड़ते हैं जज्बाए जुनून के साथ, दुनिया में उनकी सबसे अलग पहचान बनती है। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के होनहार छात्र आयुष ने साबित कर दिखाया कि अगर कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो व्यक्ति की उम्र आड़े नहीं आती। हम बात कर रहे हैं नूरपुर पब्लिक स्कूल के छात्र आयुष कटोच की, जो अभी मात्र 9वीं कक्षा में है। मेरा नाम आयुष है, मैं 9th में पढ़ता हूँ। जैसे कि आजकल हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, भूकंप आता है तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि हिमाचल जो है वो 5th जोन में आता है। तो इसलिए जो है वो मैं ऐसे घर बनाने की सोच रहा हूँ जो भूकंप को जो है वो झेल सके और गिरे नहीं। और इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो आज अन्य बच्चों के लिए मिसाल बन गया है। इन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में अपना इको फ्रेंडली विलेज मॉडल प्रदर्शित किया। साइंस फेयर में मैंने इको फ्रेंडली विलेज बनाया था। इसमें जो है वो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे बिल्डिंग के। एक मैंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई थी, जिसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स की इंटरसेक्शन थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में बिल्डिंग इसलिए गिरती है कि उसका ऊपर वाली जो चीज़ है वो कम हिलती, साइड वाली जो है वो ज़्यादा हिलती है। तो जब इंटरसेक्शन होगी उन दोनों कॉलम्स की, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो वो जो बिल्डिंग है वो नहीं गिरेगी। तो उसके जो बेस है वो उसको मैंने मेटलनेट से बनाया था 4x4 feet का। उसमें जो है वो मैंने इंटरलॉकिंग की थी कॉलम्स की। राष्ट्रीय स्तर पर मिली उनकी इस उपलब्धि ने नूरपुर ही नहीं हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आयुष के माता पिता अजय कटोच और नीतू कटोच अपने बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। तो बिल्कुल रोना ही आ गया कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और हमारा नाम रोशन किया है, नूरपुर का नाम रोशन किया है इसने, पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। और शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो वर्ड्स नहीं है। मतलब जब बच्चा कुछ करता है आपका, अगर उनके पेरेंट्स को पूछो आपको कितनी खुशी हुई, तो वो दिल से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से ये भी एक मेरे लिए प्राइज है, तो मुझे भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पर मैं चाहती हूँ ये आगे इस चीज़ को मेंटेन रखें। इनके दादा दादी भी अपने पोते की कामयाबी पर गर्व का अनुभव करते हैं। उनको प्रेरित करते रहते हैं, हर एक चीज में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। दो बार तो ये राष्ट्रपति भवन में भी जाके आए, राष्ट्रपति अवार्ड मिली है, सबसे बड़ी खुशी हमें ये हुई, सबसे ज्यादा अच्छा। स्टडीज के अलावा इनको अपना हारमोनियम बजाने का थोड़ा शौक है, वो भी बजाते हैं, साथ में बैडमिंटन खेलते हैं। A science teacher in Nurpur Public School. Ayush, as he has some qualities, he is very sincere or intelligent, or he has a zeal to come with their new idea. अब आयुष जापान में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। इसकी हम बहुत खुशी है। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मतलब हमें लगा कि हाँ, हमारे पोते ने हमारा नाम रोशन किया है। खुश हुआ और मैं जापान जाकर भी अपने देश के लिए जो है वो कुछ करूंगा और अपने देश के बारे में उनको बताऊंगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नूरपुर के नव युवाओं की सफलता की अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने जल्द ही आपके पास हम फिर हाजिर होंगे।